देसी है, एक तो मशीनें अजमेर के अंदर आधी से ज़्यादा ख़राब पड़ी है। दूसरी बात यह कि ठेकेदार कभी कितना कम दे रहा है, कभी कितना कम दे रहा है, अधिकारी को अवगत कराने के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, DSO नहीं सुन रहा है। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की आवश्यक बैठक। राशन डीलर्स की समस्याओं के समाधान पर किया विमर्श, समाधान नहीं होने पर सरकार को चाबियां सौंपने की दी चेतावनी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की एक आवश्यक बैठक अजमेर जिला राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी के नेतृत्व में रविवार को पालबिचला स्थित एक समारोह स्थल में आयोजित की गई, जहाँ एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों के साथ ही अजमेर के राशन डीलर्स भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राशन डीलर्स को जिला रिश्वत विभाग में ठेकेदार के द्वारा आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके निदान की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि अजमेर में राशन की दुकान चलाना अब मुश्किल हो चुका है, ना तो रिश्वत विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई करते हैं और ना ही ठेकेदार उनकी बात को सुनता है, उल्टा उन्हें धमकाता है, ऐसे में अब राशन की दुकान चलाना उनके बस की बात नहीं। सैनी ने बताया कि अजमेर जिले में लगभग 1100 राशन की दुकानें हैं, जिन पर खाद्य वितरण निगम द्वारा बिना तोल के गेहूं सप्लाई किया जा रहा है। हर गेहूं की बोरी में लगभग 50 किलो गेहूं कम निकल रहा है। रसद विभाग भौतिक सत्यापन करता है तो आरोप राशन डीलर्स पर लगता है, जबकि गलती खाद्य वितरण निगम की है। गेहूँ के साथ पूर्व में तोल काटे की पर्चियाँ दी जाती थी, जो अब नहीं दी जा रही। कोरोना की आड़ में अधिकारी मिलकर चांदी कूट रहे हैं, प्रताड़ित राशन डीलर हो रहा है। शहर के आधे से ज़्यादा राशन डीलर्स की पोश मशीनें खराब पड़ी हैं, जिनके लिए कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राशन डीलर्स जिला रिश्वत विभाग में अपनी दुकानों की चाबियां सौंप कर सरेंडर कर देंगे। बैठक में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, प्रदेश सलाहकार अशोक जैन, शहर अध्यक्ष महावीर जैन, महावीर अजमेरा, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा सहित राशन डीलर मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य ये, एक तो मशीनें अजमेर के अंदर आधी से ज़्यादा खराब पड़ी है, दूसरी बात यह कि ठेकेदार कभी कितना कम दे रहा है, कभी कितना कम दे रहा है, अधिकारी को अवगत कराने के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, DSO नहीं सुन रहा है। जब ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन को भी छीन के हमारे से ले लेता है। ऐसा कौन सा संविधान के अंदर है कि अपनी आवाज़ को दबाने के लिए ये कांग्रेस सरकार हमारे को अर्धधर्मी से उतर मारने पे तुल चुकी है। तो राशन डीलर जाए तो कहाँ जाए, पब्लिक का माल हम दे रहे हैं, पब्लिक को क्या जवाब देते देवें, ये तो या सरकार बताए या ये अधिकारी कहते हैं हमारे को सुनने को नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है, जुलाई का गेहूँ अभी तक किसी दुकानों पर नहीं आया। ठेकेदार को जब फ़ोन करते हैं तो वो अधिकारी का दबाव बढ़ाते हैं, जब गाड़ी तोलने की कहते हैं बोले बिना तोले ही दूंगा, जो करना जो कर लो, जबकि नियम यह है कि दुकान के अंदर एक एक कट्टा तोलने के नियम है, जबकि ये नहीं तोल के देता है। ये क्यों कि विभाग की लापरवाही है या इससे लिप्त है, इससे रणनीति ये बना रहे हैं, या तो ये सरकार हमारे पब्लिक का ध्यान रखे या राशन डीलर का ध्यान रखे। अगर नहीं है तो आगे से हम हड़ताल करेंगे, ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए, मेल कर कर के परेशान हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है डीलरों की। अभी सौंपनी पड़ेगी हमारे को, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे डिंपल सर जी आए और प्रदेश महासचिव आशीष शर्मा, लोकेंद्र जी, अशोक जैन, महावीर अजमेरा, सूरज सांगला ब्यावर से एक कई डीलर आए हैं हमारे,